देखिए हेमंत सोरेन से जुड़े कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जेएमएम नेता अंशु तिर्की समेत चार लोगों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनकी रिमांड 6 दिन और बढ़ा दी है। 16 अप्रैल को ईडी ने बरियातो और कोकर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी और 17 अप्रैल को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दीपक है, सीधा उनसे जुड़ते हैं। दीपक, देखिए हेमंत सोरेन से जुड़ा जो एक फर्जीवाड़ा मामला है जमीन का, इसमें जेएमएम नेता अंशु तिर्की समेत चार लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इनकी रिमांड अवधि जो है आज पूरी हुई, जिनके बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और कोर्ट ने इनकी रिमांड 6 दिन और बढ़ा दी है। क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बगाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की कथित फर्जीवाड़ा मामले में जेएमएम नेता अंशु तिर्की का जमीन कारोबारी बिपिन सिंह और पी रंजन सहाय और इरशाद अख्तर को ईडी ने बीते 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उससे पहले 16 अप्रैल को इन सभी के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी के खत्म होने के बाद सभी को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई और उसके बाद 17 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें 5 दिनों का रिमांड ईडी को मिला था। तो 5 दिनों से ईडी के अधिकारी जो है इन सभी चारों से पूछताछ कर रही है। आज रिमांड अवधि पूरा हो रहा था तो पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया और पेशी के दरमियान 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा अदालत से किया गया, जिस पर 6 दिनों की मंजूरी जो है अदालत से दिया गया, यानी कि 29 अप्रैल तक सभी ईडी के रिमांड पर होंगे और ईडी के सवालों का सामना करेंगे और जो पूछताछ होगी उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 21 जनवरी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी करने के बाद 60 दिन के भीतर ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें 5 को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया था। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के ठीक 2.5 माह बाद जो है हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाया था और उस याचिका पर आज पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, जिस पर हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के द्वारा उनका जो है विरोध किया गया और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने ईडी को 1 सप्ताह का समय दिया है और अगली जो है 1 मई को हेमंत सोरेन की याचिका पे सुनवाई होगी, उससे पहले 30 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है और जिस मामले को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों को इसमें जो है वो गिरफ्तार किया है ईडी और लगातार पूछताछ का जो दौर है वो लगातार जारी है। अभी 5 दिनों तक जेएमएम नेता अंशु तिर्की, बिपिन सिंह और श्री रंजन सहाय और साध अख्तर से पूछताछ कर चुकी है और आगे और 6 दिनों तक पूछताछ करेगी। तो पूछताछ में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ईडी को मिलता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार पूछताछ जो है वो जारी है और ईडी की जांच भी जारी है, क्योंकि इसी मामले में मोहम्मद सदाम हुसैन को जब प्रोडक्शन पर लेकर के रिमांड पर ली थी ईडी ने और पूछताछ जो है 12 दिनों तक की है और उस पूछताछ में ईडी को जो महत्वपूर्ण जानकारी मिला है उसी के बेसिस पर जो है बीते 16 अप्रैल को एक बड़ी कार्रवाई राजधानी रांची में देखने को मिला, जहां जेएमएम नेता अंशु तिर्की समेत कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी, छापेमारी की और उसके बाद 4 को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज की जो रिमांड अवधि जो है 6 दिन होगी और बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई और जांच हो रही है कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। तो अब 6 दिनों तक जब ये सभी ईडी के रिमांड पर होंगे, पूछताछ होगी, उसके बाद ही आप देखना होगा कि ईडी को क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जिसके आधार पर ईडी की आगे की कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।